काशीपुर में ठंड से बचाव के लिए अलाव जलाए गए, साथ ही मक्का की खीलें और मूंगफली भी लोगों को बांटी गई। लायंस क्लब के सचिव ने कहा, जब तक ठंड रहेगी लायंस क्लब लोगों की हमेशा सेवा करता रहेगा। काशीपुर में सामाजिक संस्था लायंस क्लब के द्वारा महाराणा प्रताप चौक पर लोगों को ठंड से बचाने के लिए अलाव जलाए गए। इस दौरान लायंस क्लब के अध्यक्ष महेश वर्मा ने कहा कि लायंस क्लब हमेशा लंबे समय से समाज सेवा करता चला आ रहा है। इसके अलावा लायंस क्लब के सचिव शैलेंद्र मिश्रा ने कहा कि मौसम विभाग द्वारा लगातार ठंड को लेकर चेतावनी दी जा रही थी, इसी को देखते हुए लायंस क्लब ने अलाव की व्यवस्था की है और जब तक ठंड रहेगी लायंस क्लब लोगों की भलाई के लिए हमेशा आगे रहेंगे। साथ ही मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों को मक्का की खीले और मूंगफली भी बांटी गई। दरअसल ठंड का इतना ज्यादा प्रचंड रूप है कि आम आदमी जो है इस ठंड को बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। जो लोग घरों में बैठे हुए हैं या जिनके पास व्यवस्था है वो तो ठंड से मुकाबला कर लेते हैं और ठंड का इंतजाम भी कर लेते हैं, लेकिन जो बेचारे मुसाफिर लोग हैं और जो सड़कों पर रात बिताते हैं, जो लोग रात को सड़कों पर किसी ट्रैफिक की व्यवस्था ना होने के बाद बसों के इंतजार में खड़े रहते हैं, उन लोगों के लिए वास्तव में बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाता है। तो इसलिए लायंस क्लब काशीपुर सिटी सेवार्थ के कार्यों में हमेशा आगे अग्रिम भूमिका निभाता आया है काशीपुर का, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी मुद्दा हो। तो हम लोगों ने जो है यात्रियों की और शहर के लोगों की प्रॉब्लम्स को, परेशानी को देखते हुए और ठंड के प्रकोप को देखते हुए जगह जगह काशीपुर में कई जगह आलाप का जो है कार्यक्रम हमने चालू किया है। इसे जला करके लोग अपने आप को ठंड से बचा पाते हैं और सेफ रहते हैं, ऐसा हमारा जो है मानना है। और हम लोग जो है जन सेवा में हमेशा इस तरीके के कार्य करते हैं, करते रहेंगे और आगे भी जारी रहेंगे। आज इसी स्थिति को देखते हुए कि इतनी ठंड के बाद भी नगर निगम कहीं भी कोई अलाव नहीं जलवा पा रहा, इसलिए लायंस क्लब काशीपुर सिटी ने ये व्यवस्था की कि जो लोग ठंड से परेशान हैं या ठंड से उनके पास घरों में हीटर नहीं है और वो सड़क पर हैं, और इसीलिए आलाप की व्यवस्था लायंस क्लब सिटी ने की है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।